नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता संग्राम में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय हम राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के चुनावी विश्लेषण को आपके सामने लोआया चुनाव के जरिए लेकर आए थे। अब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, इसलिए अब हम देश और प्रदेश की राजनीति की दुनिया की खबरों का विश्लेषण आपके सामने सत्ता संग्राम के माध्यम से रखेंगे। तो चलिए सत्ता संग्राम की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की पहली खबर पर राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के विश्लेषण के साथ। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कठोर परिश्रम राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है। वो पूरे पांच साल ही वो चुनाव प्रचार ही कर रहे थे, लगातार वो इलाके में आना हर शनिवार इतवार को। बिल्कुल, इतना इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास थी राज्य मंत्री के रूप में। बिल्कुल, और बाद में इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में सूचना प्रसारण मंत्री थे देश के। पर शनिवार इतवार तो उनका 99% अपने इलाके में गुजरता था, गांव गांव में, गली गली में, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेना, हर चीज त्योहार पे अपने लोगों के बीच में आना। उनसे कोई बात नहीं कह सकता कि आप अब वोट मांगने आ गए। पूरे पांच साल ही अपने क्षेत्र में रहे और उन्होंने काम किया वहां पर। ये उनकी खास बात रही जी। और उनको पहले एक बार राजसमंद भेजने का प्रस्ताव किया गया था कि राजसमंद को राजपूत सीट बना जा रहा है जी। और ये चूंकि एक स्टार है, ओलंपिक के पदक विजेता है, केंद्र के मंत्री हैं, ये वहां जीत सकते थे ये मान के। पर इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं एक फौजी हूं, कर्नल हूं रिटायर्ड, फौजी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता, जय पराजय, शहादत, विजय, सबसे ऊपर उठकर फौजी संघर्ष करना जानता है, युद्ध करना जानता है और अपनी जमीन को छोड़ना नहीं जानता। उन्होंने पांच साल वहां मेहनत की और उस मेहनत के बूते पर ही वो वहां से वोट मांगने निकल पड़े हैं।